फर्स्ट क्वेश्चन है, 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के केंद्र पर 22 सेंटीमीटर लंबे चाप द्वारा बनाए गए कोण का डिग्री माप ज्ञात कीजिए। देखिए रेडियस क्या दी हुई है सर्कल की, 28 सेंटीमीटर, ठीक है, और चाप की जो लेंथ है वो कितनी है, 22 सेंटीमीटर। तो चाप की जो लेंथ है उसका और टोटल जो सर्कमफ्रेंस है वो कितना होता है, 2 पाई आर, पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस कितनी है, 28, ठीक है ना। इसका रेशियो किसके इक्वल होगा, जो एंगल हमें निकालना है, ठीक है, जो सेंटर पे एंगल रहेगा डिवाइड में, जो टोटल एंगल कितना होता है, 360, ठीक है ना। ये रेशियो क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। तो जो कट्टा है वो काट दीजिए, 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा, 7 पे काटेंगे, 7 चौक 28, ठीक है, फिर 4 से काट काटिए 90 और 2 से काटेंगे 45, ठीक है। तो यहां से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45 डिग्री, राइट। तो ऑप्शन जो बी है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर एक के इक्वल है तो ए बी सी और डी का अधिकतम मूल्य क्या होगा। देखिए हमें ना ए बी सी डी की कोई ऐसी वैल्यू रखनी है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो मैं क्या करता हूँ, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू डी 1/2 के इक्वल रख देता हूँ, ठीक है। अगर मैं 1/2 रखता हूं तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी, क्योंकि ए स्क्वेयर की वैल्यू कितनी आएगी, 1/2 का स्क्वेयर 1/4, यहां भी 1/4, यहाँ भी 1/4 और यहाँ भी 1/4, ठीक है, किसके इक्वल है, 1 के। अगर मैं इन चारों को जोड़ूंगा तो ये भी किसके इक्वल आएंगे, 4/4 यानी 1 के, ठीक है ना। तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, कब हो रही है, जब ए बी सी और डी की वैल्यू किसके इक्वल है, 1/2 के। तो हमें ए बी सी डी की मल्टीप्लीकेशन की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसकी क्या रहेगी, यानी ए बी सी और डी का वैल्यू क्या रहेगी, 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 यानी 1/16, ठीक है ना। तो ऑप्शन जो ए है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो मात्राएं यानी क्वांटिटी 3 और 5 के अनुपात में है, यानी कितने के अनुपात में, 3 और 5 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक में 9 की कमी की जाए तो अनुपात 5 और 9 हो जाता है, छोटी मात्रा ज्ञात के लिए। देखिए अगर मैं इन दोनों में से 9 घटा दूं, ठीक है, 9 घटा देता हूं तो जो फाइनल रेशियो है वो 5 और 9 है, ठीक है। अगर मैं एक्चुअल में घटाता हूं, अगर मैं एक्चुअल में घटाऊं तो रेशियो क्या बनता है, 3 में से 5 घटाऊंगा तो -2 मिलेगा, ठीक है, और यहाँ पे कितना मिलेगा, -4, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, जबकि एक्चुअल में जो घटाया गया है दोनों तरफ इक्वल घटाया गया है, ठीक है ना। तो इनको जो हमारा -2 और -4 आए, इनको इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। 3 और 5 का डिफरेंस कितना है, 5, सॉरी 2, और 5 और 9 का डिफरेंस 4, तो 4 को तो इससे गुना कर देंगे इस रेशियो को, और 2 को नीचे वाले से। तो अब फाइनल रेशियो कितना बना, ऊपर वाले को 4 से गुना करेंगे तो 12 और 20 रेशियो आ जाएगा, ठीक है, और नीचे वाले को क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे तो 10 और 18 आ जाएगा, ठीक है ना। अब क्या है, अब देखिए डिफरेंस इक्वल आ गया, 20 - 2 यानी 18, ठीक है, 2 घटाया है और यहां भी 2 घटाया है, ठीक है ना। अब दोनों तरफ इक्वल सब्ट्रैक्ट हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में कितना सब्ट्रैक्ट किया है, 9, यानी 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 9, ठीक है। हमसे पूछा है छोटी मात्रा ज्ञात कीजिए, जो ओरिजिनल रेशियो ये था, ठीक है, हालांकि 3 और 5 था, 3 और 5 को कन्वर्ट करके 12 और 20 बनाया, और 12 और 20 में छोटी संख्या पूछी है, यानी 12 यूनिट की वैल्यू पूछी है, 2 यूनिट की वैल्यू 9 है, तो 12 यूनिट की कितनी हो जाएगी, दोनों तरफ 6 से गुना कीजिए तो 9 6 का 54, ठीक है ना। तो ऑप्शन जो सी है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दिहाड़ी मजदूर को 5850 रुपये पर कुछ दिनों के लिए काम पर लगाया गया था, लेकिन उनमें से कुछ दिनों में अनुपस्थित रहने के कारण उसे केवल 5200 रुपये का भुगतान किया गया, उसका अधिकतम संभव दैनिक वेतन क्या था। देखिए काम कितने का दिया था, 5850, ठीक है, लेकिन उसे मिले कितने, 5200, ठीक है। दोनों का डिफरेंस निकालूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 650, ठीक है। तो मैं मान के चलता हूं कि ये 650 थे, उसका एक दिन का ही वेतन था, ठीक है। तो अगर ये एक दिन का वेतन था तो ये जो दो नंबर दिए गए हैं, 5200 और 5850, वो जरूर 650 के मल्टीपल होंगे, क्योंकि तभी तो एक दिन अब्सेंट रहने पे इतने पैसे कटे हैं, ठीक है। तो अब देखिए 650 बावन का कितना गुना 5200 है, ठीक है, 650 को 2 से गुना करूंगा 1300, और 1300 को 4 से गुना करूंगा 5200, यानी 650 का 8 गुना, 8 गुना कितना है, 5200, और 9 गुना, 9 गुना कितना है, 5850। तो इसका मतलब ये है कि 650 रुपये पर डे वेतन पर एक मजदूर को रखा गया, कितने दिन के लिए, 9 दिन के लिए। टोटल वेतन उसको कितना मिलता,
5850, लेकिन वो एक दिन अब्सेंट हो गया, एक दिन अब्सेंट हो गया, तो 8 दिन उसने प्रेजेंट रह के काम किया, 8 से गुना करेंगे तो 5200 रुपए, और एक दिन का उसका जो वेतन कटा वो कितना था, 650। तो हमसे तो पूछा है कि उसका अधिकतम संभव दैनिक वेतन क्या था, तो वो क्या है, 650 रुपए। ठीक है, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या में से 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या घटा दी जाए तो शेषफल क्या होगा। देखिए, सबसे छोटी संख्या कितने भी अंक लिखनी हो तो पहला अंक 1 रहेगा, बाकी के अंक कितने, 0, तो 5 0 आ जाएंगे। ठीक है, तो ये 6 अंक की सबसे छोटी संख्या, फिर क्या है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, यानी कितने भी अंक की कितनी भी बड़ी संख्या निकालनी हो तो सभी अंक को नौ नौ कर दीजिए, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी, 4 बार 9 9, शेषफल पूछा है तो घटा दीजिए, क्या आएगा, 10 में से 9 घटाएंगे 1, फिर यहाँ भी 9, यहाँ 9 में से 9 गया 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ बचा क्या, यहाँ पहले 10 था तो 1, हमने यहाँ कॉमन ले लिया था, तो यहाँ बचा कितना, 9, तो 90001, तो 90001, यानी ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीचा ने 6.5 लाख रुपए में कार खरीदी और 7,80,000 रुपए में इसे बेच दिया, उसने कार पर कितना प्रतिशत लाभ कमाया। देखिए, कॉस्ट प्राइस में देखिए 65 के पीछे 4 जीरो है, और सेलिंग प्राइस में 78 के पीछे पीछे 4 जीरो, तो 4 जीरो काट दीजिए, इसका कोई यूज नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पे 4 जीरो मैंने काट दी और यहाँ भी 4 जीरो मैंने काट दी। ठीक है ना, तो 65 की चीज मैंने कितने में बेच दी, 78 में, तो हमें प्रॉफिट कितना मिला, 78 माइनस 65 यानी 13 रुपए का प्रॉफिट मिला, 13 रुपए का प्रॉफिट मिला किसके ऊपर, 65 के ऊपर। ठीक है ना, गुना 100, ठीक है, 13 पंजे 65, 5 को फिर 100 से काटेंगे, 100 को यानी 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 20, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 20%। ठीक है, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1200 रुपए पर 6 महीने के लिए 12% वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए जो त्रिमाही आधार पर संयोजित होता है। देखिए, रेट कितना दिया हुआ है, 12%, जो क्या है, वार्षिक यानी ईयरली काउंट होता है, लेकिन हमें त्रिमाही पूछा है, ठीक है, क्वार्टरली पूछा है, तो वो क्या होगा, तो रेट भी क्वार्टरली हो जाएगा, मतलब क्वार्टरली मतलब साल का चौथा हिस्सा। ठीक है ना, तो अब जो रेट होगा क्वार्टरली वो कितना हो जाएगा, आर क्या, वो कितना हो जाएगा, 12/4 यानी 3%। ठीक है ना, 3%, और कितने समय के लिए, समय कितना दिया हुआ है, 6 मंथ। ठीक है ना, और 6 मंथ में आर क्या हो, कितनी बार काउंट होगा, पहले 3 महीने और फिर 3 महीने, यानी 2 बार काउंट होगा। ठीक है, तो क्यों ना मैं 2 बार 3% को काउंट करके इक्विवेलेंट निकालूं। ठीक है ना, तो 3% पहली बार, 3% दूसरी बार, प्लस फिर दोनों का 3 गुना 3/100, ये क्या होता है, इक्विवेलेंट रेट निकालने का फॉर्मूला होता है, x+y + xy/100, इससे हम इक्विवेलेंट जैसे प्रॉफिट लॉस हो वो भी निकाल सकते हैं, प्रॉफिट हो वो भी निकाल सकते हैं, 2 बार लगातार लॉस हो जाए वो भी निकाल सकते हैं, 2 लगातार डिस्काउंट दिए हो, सक्सेसिव डिस्काउंट, सक्सेसिव रेट, कुछ भी निकालना हो, ये वो फॉर्मूला है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 और 3 6 डेसिमल, 9/100 यानी 6.09, ये क्या आ गया, रेट आ गया, फाइनल रेट। ठीक है, हमारा जो अमाउंट था शुरू में कितना था, 1200, हमसे पूछा है इंटरेस्ट कितना होगा, देखिए हमारा इंटरेस्ट जो होगा वो कितना होगा, 1200 का 6.09% होगा, तो मैंने प्रतिशत का 100 नीचे लगा दिया, तो यहां से आप काट लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 12 से गुना करेंगे, 12 नीमे 108 08, ठीक है, 1 कॉमन, 12 छिक 72 और 1 73, और 2 डिजिट के बाद डेसिमल, यानी 73.08 हमारा क्या आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। ठीक है ना, तो ऑप्शन जो सी है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राकेश 3 साल में 2 बार रक्तदान करता है और हर बार 330 मिलीलीटर वह रक्त को दान करता है, वह 6 वर्ष में कितने लीटर रक्तदान करेगा। देखिए, 3 साल में कितनी बार करता है रक्तदान, 2 बार, तो 6 साल में कितनी बार रक्तदान करेगा, 4 बार, 4 बार करते वक्त हर बार वो कितना मिलीलीटर जो रक्त है दान करता है, 330, तो टोटल कितना हो गया, 1320 मिलीलीटर जो है ब्लड उसने डोनेट कर दिया। ठीक है, अब हमसे आंसर, हमारा ये आंसर है लेकिन हमें आंसर पूछा है लीटर में। ठीक है, आप देख सकते हो ये क्या है, लीटर, तो मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 1.32 लीटर, यानी ऑप्शन जो ए है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड 12 सेंटीमीटर। ठीक है, मान लीजिए ए क्या है, साइड उसकी वैल्यू की दी गई है
12 सेंटीमीटर। सबसे पहले आप इसमें एक प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है उसको करेक्ट कीजिए। ये मीटर स्क्वायर दिया हुआ है एरिया, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर में है, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर और ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आंसर निकालते हैं। एरिया की वैल्यू क्या होती है, फॉर्मूला क्या है, √3/4a² ये किसका फॉर्मूला है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का। ठीक है, तो √3/4, a की वैल्यू 12 है, 12 × 12 तो 4 से काटेंगे, 4 × 3 = 12, 12 × 3 = 36, 36 × √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, ऑप्शन जो डी है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 1 से 26 तक की संख्या है जो 2 से विभाज्य है। देखिए 1 से 26 तक में 2 से विभाज्य संख्याएं कौन सी है, सारी की सारी इवन, ठीक है, इवन संख्याएं हैं, उन्हें अवरोही क्रम यानी डिस्केंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित किया जाए। तो मैं उसको डिस्केंडिंग ऑर्डर में लिखता हूं, 26 फिर 24 फिर 22, ऐसे करते करते 2, ठीक है ना, उसको डिस्केंडिंग ऑर्डर यानी घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। पूछा क्या है, नीचे से 9वें स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए पहले स्थान पर, तो नीचे से मतलब राइट हैंड साइड से, ठीक है ना, अब मैं नीचे से काउंट करूंगा, पहले नंबर पे है 2, दूसरे नंबर पे क्या आ जाएगी, 4। ठीक है, तो मुझे 9वें नंबर पे पता करना है, तो वो कितनी रहेगी, 9 × 2 वो क्या आ जाएगी, 18। ठीक है, तो संख्या 18 जो है वो 9वें नंबर पे रहेगी, तो ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ ए स्क्वेयर इज 289 मीटर स्क्वेयर, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल। देखिए एक स्क्वेयर है, ठीक है, और मैं मान के चलता हूं उसकी जो साइड है वो 1 यूनिट है, ठीक है, और तब उसके डायगोनल की लेंथ क्या रहेगी, पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे तो √2 टाइम्स रहेगी। ठीक है, कब, जब दोनों साइड क्या है, 1 यूनिट है। ठीक है, अब क्वेश्चन को करते हैं, एरिया क्या दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है 289। ठीक है, 289 17 का स्क्वेयर होता है। ठीक है, तो इट मींस जो साइड है, मान लीजिए ए साइड है, उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 17। जब 1 यूनिट है तब तो डायगोनल जो है वो √2 है, लेकिन अब साइड कितनी दी हुई है, 17, यानी 1 का 17 गुना ज्यादा, तो डायगोनल भी 17 गुना ज्यादा हो जाएगा, मतलब 17 × √2 हमारा क्या आ गया आंसर, ऑप्शन जो ए है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 मीटर लंबे और 8 मीटर चौड़े कमरे का फर्श अधिकतम संभव क्षेत्र के वर्गों द्वारा डिजाइन किया जाना है, आवश्यक वर्गाकार डिजाइन की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए सिंपली आप समझिए, एक फर्श है जिसकी लंबाई 12 मीटर दी हुई है, चौड़ाई 8 मीटर दी हुई है, तो यहाँ पे एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा 12 × 96 मीटर स्क्वेयर। इसके फर्श पे हमें टाइलें लगानी है इस तरह से, ठीक है ना, ठीक है, टाइलें लगानी है, और जो टाइल है, ठीक है, वो क्या होनी चाहिए, वर्गाकार होनी चाहिए, और उसका साइज मैक्सिमम जितना बड़ा हो सके उतना होना चाहिए, तो वो टाइलों की संख्या पूछ रहा है, संख्या ज्ञात के लिए। देखिए 96 मीटर स्क्वेयर का एरिया हमें कवर करना है एक टाइल से, तो टाइल की साइड में मान लेता हूं ए है, तो ए स्क्वेयर से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा कट के यहाँ पे कोई नंबर आएगा, ये नंबर क्या रहेगा हमारा आंसर। तो आप 96 से कितने, मतलब ऐसा कौन सा नंबर है मैक्सिमम जो परफेक्ट स्क्वायर भी है और 96 को काट देता है, ठीक है ना, ठीक है, तो ऐसा कौन सा रहेगा, अगर मैं 4 को देखूं तो 4 क्या है, 2 का स्क्वायर है, यानी 2 का स्क्वायर 4, अगर मैं 96 को 4 से काटूंगा तो 4 × 8 = 16, ठीक है, तो यहाँ पे जो स्क्वायर आया है वो 2/2 का आ गया, लेकिन अगर मैं इससे बड़ा देखूं, 3 देख लूं, ठीक है, अगर मैं 3 देखूं, ठीक है, 3 का स्क्वायर यानी 9, 96 9 से भाग नहीं होता, अगर मैं 4 देखूं, 4 का स्क्वायर यानी 16, 16 × 96, तो एक लौता ऐसा नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर भी है और 96 को भाग करता है वो क्या है, 16, यानी 96/16 ये मैक्सिमम स्क्वायर है, ठीक है, इससे बड़ा स्क्वायर नहीं होगा, तो 96 से काटेंगे, 16 × 96, ऐसे कितने टाइल लगेंगे, 6, तो यही हमारा आंसर है। यानी इस पूरे एरिया को कवर करने के लिए, मैं एरिया अलग कलर से कवर कर देता हूँ, हमारे पास जो एरिया था वो 96 था, तो टोटल 6 टाइल लगेंगे इस तरह से, और एक टाइल का एरिया कितना है, 16, ये 16, ठीक है ना, तो हमें संख्या पूछी थी तो वो आ गई 6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो ऑफ मेजर ऑफ एन एंगल ऑफ ए रेगुलर पेंटागन टू दैट ऑफ रेगुलर ऑक्टागन। देखिए पेंटागन और ऑक्टागन के एंगल का हमें क्या निकालना है, रेशियो। अब किसी भी पॉलीगन का अगर आपको एंगल निकालना हो, एक एंगल निकालना हो, तो कैसे निकालोगे, n-2
इंटू 180 बाय एन, ठीक है। तो यहाँ पे एन क्या है, जो वो पॉलीगन है उसकी साइड, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे रेशियो निकाल रहा हूँ एन वन माइनस टू इंटू 180 बाय एन वन, रेशियो निकालिए एन टू माइनस टू इंटू 180 बाय एन टू। यहां से 180 तो 180 से कैंसिल हो जाएगा, तो एन वन की यहाँ पे वैल्यू कितनी है, पेंटागन में एन की वैल्यू कितनी होती है, साइड की वैल्यू 5, और ऑक्टागन में कितनी होती है, 8, ठीक है। तो 5 रखेंगे यहाँ पे, एन वन की वैल्यू तो ऊपर आएगा 3, नीचे कितना आ जाएगा 5, ठीक है। और यहाँ पे 8 रखेंगे तो 6/8, ठीक है। तो 3 पे कैंसिल हो जाएगा, 3 दूनी 6, 2 पे कैंसिल 4, तो रेशियो कितना आ गया, 4 इधर जाएगा 5 इधर, यानी 4:5 के आ जाएगा हमारा आंसर। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पहिए का व्यास 88 सेंटीमीटर है, चक्रों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें यह 8712 मीटर की दूरी तय करेगा। देखिए एक चक्कर में, एक रिवोल्यूशन में वो डिस्टेंस कितनी कवर करेगा, व्यास दिया है तो वो कितनी कितना होता है इसका फॉर्मूला, पाई डी। पाई की वैल्यू कितनी दी हुई है, 22/7। डायमीटर कितना है, 88, ठीक है। और सेंटीमीटर है तो 100 से डिवाइड करेंगे तो ये किस में आ जाएगा, मीटर में, ठीक है। ये क्या है, वन रिवोल्यूशन में डिस्टेंस कवर किया। टोटल डिस्टेंस कितनी है, टोटल डिस्टेंस है हमारे पास 8712। टोटल डिस्टेंस को वन रिवोल्यूशन के डिस्टेंस से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास कितने क्या आ जाएगा, टोटल रिवोल्यूशन वो 7 ऊपर चला जाएगा, 100 भी ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये कितने क्या आ गया मेरे पास, टोटल रिवोल्यूशन, ठीक है। जो कटता है काट दीजिए, अगर मैं इसको 11 से काटूं, ठीक है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा 11 पे, 11 × 7 = 77, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना आ गया, 10, और एक 11 × 99, 2 × 11 = 22, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से 11 से, यहाँ पे 8, यहाँ पे 11 × 7 = 77, 11 × 22, ठीक है। तो 8 × 8 = 72, ठीक है। यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा, 9 × 7 = 63, 6300/2 कितना आ जाएगा, 3150, ठीक है ना। ये हमारा आंसर आ गया, यानी इतने रिवोल्यूशन बनेंगे। तो ऑप्शन जो सी है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी के प्रतिदिन काम के 35 प्रतिदिन काम के घंटे 35% बढ़ गए हैं और उसके प्रति घंटे की मजदूरी 25% कम हो गई है, तो उसकी दैनिक कमाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। देखिए अगर कोई चीज बढ़ी है परसेंटेज में, ठीक है, तो वो क्या रहेगी, पॉजिटिव, ठीक है। सक्सेसिव अगर हमें कोई भी चीज लगातार बढ़ रही हो या घट रही हो, या बढ़ के घट रही हो या घट के बढ़ रही हो, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है, अगर हमें फाइनली इक्विवेलेंट निकालना हो कि बढ़ी है या घटी है, तो उसके लिए फॉर्मूला है x + y + xy/100, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, 35, ठीक है, क्योंकि ये बढ़ी है तो पॉजिटिव ले रहा हूँ, और y की वैल्यू क्या है, 25, क्योंकि ये कम हुई है तो इसको माइनस में। तो अब फाइनल आंसर क्या रहेगा, 35 - 25 + 35 × -25/100, ठीक है ना। ये कितना आ गया, 10, ठीक है। यहां से आप देखिए 25 × 100, 4 पे काटें, 4 × 8 = 32, 4 × 7 = 28, 5, ठीक है। तो ये कितना है, माइनस का 8.75, ठीक है। तो यहां से मुझे क्या मिलेगा, प्लस का 1.25, ठीक है। तो उसकी दैनिक कमाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, 1.25%। तो ऑप्शन जो सी है वो सही आंसर है, ठीक है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन था फॉर्मूला बेस पे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्कूटर चालक 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा कर रहा है, वह 2.5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। देखिए जो डिस्टेंस होती है वो किसके इक्वल होती है, स्पीड गुना टाइम के, ठीक है। स्पीड दी हुई है 50 और टाइम दिया हुआ है 2.5, यानी 2.5, ठीक है। दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा, 125, ठीक है। तो डिस्टेंस कितनी आ गई, 125 किलोमीटर, यानी ऑप्शन जो बी है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कुत्ते ने 280 मीटर की दूरी पर एक बिल्ली को देखा, बिल्ली तुरंत 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ी और कुत्ता भी उसे पकड़ने के लिए 24 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ा। कुत्ते को बिल्ली को पकड़ने में कितना समय लगेगा। देखिए यहाँ पे क्या है, मान लीजिए कुत्ता है यानी डॉग है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, बिल्ली यानी कैट है। दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या था जब कुत्ते ने बिल्ली को देखा, तो वो डिस्टेंस था 280 मीटर, ठीक है। तो मतलब क्या है, अगर कुत्ता बिल्ली को पकड़ना चाहता है तो उसको 280 मीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। अब जब कुत्ते ने बिल्ली को देखा तो
बिल्ली किस स्पीड से भागी? वो भागी 10 किलोमीटर पर हावर, यानी 10 किलोमीटर पर हावर। और कुत्ता उसे पकड़ने के लिए कितनी स्पीड से भागा? 24 किलोमीटर पर हावर। अब दोनों स्पीड एक ही डायरेक्शन में है, तो रिलेटिव स्पीड क्या रहेगी दोनों का? डिफरेंस, यानी 24 में से 10 घटाएंगे, 14 किलोमीटर पर हावर। ठीक है, हमें निकालना है टाइम। टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है ना, अब डिस्टेंस किस में है? 280 मीटर में है। ठीक है, स्पीड क्या है? 14 किलोमीटर पर हावर। हमें समय मतलब कि हमारा जो आंसर है वो किस में आ रहा है? मिनट में। ठीक है, और यहाँ पे किलोमीटर की हम क्या बनाएंगे? मीटर। मीटर के लिए क्या करेंगे हम? 1000 से गुना। ठीक है, 14 को मैंने 1000 से गुना कर दिया। ठीक है, फिर पर हावर है, तो अगर मैं इसको 60 से भाग कर दूं तो अब ये किसमें हो गया? पर मिनट में। ठीक है, अब ये 60 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब जिससे जो कटता है उसको काट दीजिए, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 14 दूनी 28, 6 दूनी 12, 12 बटे 10, यानी 1.2 मिनट। ठीक है ना, तो ऑप्शन जो बी है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सम ऑफ द स्क्वेयर ऑफ द नंबर फ्रॉम 1 to 12। ठीक है, 1 से 12 तक के नंबर का स्क्वेयर का सम निकालना है, 1 का स्क्वेयर, 2 का स्क्वेयर और यहां से 12 का स्क्वेयर। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाय सिक्स। ठीक है, यहाँ पे एन क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ, टोटल नंबर। ठीक है ना, टोटल नंबर। ठीक है ना, तो यहाँ पे नंबर कितने हैं? टोटल 12। तो एन की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे? 12। ठीक है ना, तो इस फॉर्मूले में रखेंगे तो पहले एन की वैल्यू रखिए 12, फिर 12 में एक जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 13। ठीक है, फिर यहाँ पे कितना आएगा? 12 दूना 24 और 1 25। ठीक है, और डिनोमिनेटर में 6 है, 6 दूनी 12, 25 दूनी 50, 50 को 13 से गुना करूंगा, 13 पंचे 65 और फिर ये 0, यानी 650 हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एलसीएम ऑफ दीज नंबर इज। देखिए, इन नंबर का हमें क्या निकालना है? एलसीएम। तो जब फ्रैक्शन में वैल्यू हो तो उसका कैसे एलसीएम निकालेंगे? जो ऊपर वाली वैल्यू है उसका तो निकालिए एलसीएम, एलसीएम ऑफ न्यूमिनेटर। ठीक है ना, और जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है उसका एचसीएफ निकालिए। ठीक है ना, एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर जो आंसर आएगा वो क्या रहेगा? फ्रैक्शन वाले नंबर का एलसीएम रहेगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं? पहले एचसीएफ निकालते हैं। तो डिनोमिनेटर में नंबर क्या है? 3, 6, 9, 27 और 15। ये पांचों नंबर जो है 3 से भाग हो रहे हैं, तो इसका मतलब इनका एचसीएफ कितना आ गया? 3। तो डिनोमिनेटर में तो 3 आएगा। अब यहीं से हम अपना आंसर मार्क कर सकते हैं कि ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है, लेकिन हम एलसीएम भी निकालेंगे। अब एलसीएम देखिए, ऊपर के जो नंबर है, एक एक ये क्या है? यूनिक नंबर। ठीक है ना, 5, 7 भी 5 भी, लेकिन जो 4 और 8 है, 8 4 का मल्टीपल है, तो हम 4 को काउंट नहीं करेंगे, 8 को करेंगे। ठीक है, अब 1, 7, 5 और 8 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो एलसीएम क्या आएगा? इन सब की मल्टीप्लीकेशन। तो 8 को 5 से गुना करूंगा, 2 पंच 40, 40 को 7 से गुना करूंगा, 280, 280 को 1 से गुना करूंगा, 280। तो 280/3 मेरा आंसर आ गया, तो ऑप्शन बी जो है सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का एचसीएफ 19 है, मतलब उन दो संख्याओं में कॉमन क्या है? 19। और उनके एलसीएम के अन्य दो गुणनखंड 11 और 13 हैं, दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, बड़ी संख्या क्या है? देखिए, एलसीएम किसके बराबर हो जाएगा? एलसीएम के दो गुणनखंड दिए हुए हैं, ठीक है ना, एक 11 है और एक 13। ठीक है, तो तीसरा गुणनखंड क्या रहेगा? एचसीएफ। ठीक है ना, तीसरा क्या रहेगा? एचसीएफ। तो एलसीएम किसके इक्वल आ गया? 11, 13 और एचसीएफ के। क्यों आया? क्योंकि एचसीएफ जो है दोनों संख्याओं में कॉमन है, तो दोनों संख्याएं क्या हो जाएगी? एक तो ये हो जाएगी, एक ये। ठीक है ना, यानी एक संख्या यानी फर्स्ट जो नंबर है वो क्या बना? 11 गुना एचसीएफ। ठीक है, और जो दूसरा नंबर बना वो क्या रहेगा? 13 गुना एचसीएफ। ठीक है, तभी तो इनका एलसीएम निकालेंगे, ये आएगा। ठीक है ना, तो हमको हमसे पूछा गया है कि बड़ी संख्या निकालिए, तो इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है? 11 गुना 13 गुना एचसीएफ। तो बड़ी संख्या से मतलब है हमें, तो वो कितना रहेगा? 13 गुना एचसीएफ। एचसीएफ कितना है? 19। 19 3 57, 5 माइंड में रखेंगे, 19 एकम 19 और 5 24, यानी हमारा जो आंसर आया है वो कितना आ गया? 247। ठीक है ना, ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, हमारे पास होता है एक फॉर्मूला, कोस थीटा किसके बराबर होता है? साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, कोस 15 है, तो कोस 15 में थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 15। तो कोस 15 किसके इक्वल आएगा?
साइन यहाँ पे 90 है, 90, ठीक है। तो 90 माइनस 15 यानी कितना आ गया, साइन 75, यानी मैं कोस 15 को लिख सकता हूँ साइन 75। तो ये जो वैल्यू है वो यहाँ पे पुट करेंगे तो कोस 15 की जगह मैंने लिख दिया साइन 75, और एक साइन पहले से ही 75 था, ठीक है ना, डिनोमिनेटर में साइन 75, ठीक है, इसकी जगह लिखा है और प्लस साइन 75, ठीक है ना। तो आप देखिए न्यूमिनेटर में क्या है, ये इससे कट जाएगा तो न्यूमिनेटर में आ गया जीरो, डिनोमिनेटर में कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, तो ये सारा क्या रहेगा, जीरो, ठीक है। तो ऑप्शन जो बी है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का योग 84 है, ठीक है, उनके एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 3 और 124 हैं, तो दोनों संख्याओं के व्युत्क्रम का योग क्या होगा। देखिए रेसिप्रोकल का सम पूछा है, मैं मान लेता हूं, मैं थोड़ा आपको डिटेल में समझाता हूँ। मान लीजिए वो पहली संख्या एक्स है, दूसरी संख्या वाई है, तो हमसे पूछा क्या है, इनके रेसिप्रोकल यानी 1/x + 1/y का योग पूछा है। तो मैं अगर यहां से एलसीएम लू एक्स वाई, ठीक है ना, तो यहां मेरे पास क्या आ गया, वाई प्लस एक्स, ठीक है, ये आ गया। हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, एक्स प्लस वाई यानी दोनों संख्याओं का योग ये कितना दिया हुआ है, 84, 84, ठीक है। डिनोमिनेटर में दोनों संख्याओं की गुना, एक्स वाई का मतलब क्या होता है, दोनों संख्याओं की गुना, दोनों संख्याओं की गुना किसके इक्वल होती है, दोनों संख्याओं का एचसीएफ गुना एलसीएम, ठीक है ना। तो एचसीएफ की वैल्यू 3 है और एलसीएम की वैल्यू 124 है, वो यहाँ पे पुट करेंगे तो 3 × 124, ठीक है। तो जो कटता है काट दीजिए, 3 से काटेंगे, 3 × 6, 3 × 8 = 24, ठीक है। फिर 4 से काटेंगे तो 7 आएगा, 4 से काटेंगे, 3 × 12, फिर 4 × 3 = 12 और 4 × 1 = 4, ठीक है। तो 7/31 हमारा क्या आ गया आंसर, तो ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 81 सेंटीमीटर स्क्वेयर है, इसके कर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए मैं एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, जिसमें क्या है, परपेंडिकुलर मैंने ए मान लिया तो बेस भी ए रहेगा क्योंकि समद्विबाहु है, ये कोण 90 डिग्री का है, ठीक है। तो बाकी के जो दो कोण है वो 45 45 डिग्री के रहेंगे। अब परपेंडिकुलर और बेस मैंने ए ए माना है, तो यहां से कर्ण की वैल्यू क्या आएगी, पाइथागोरस थ्योरम से ये आ जाएगी a√2, ठीक है। और एरिया हमें कितना दिया हुआ है, 81, तो एरिया क्या है, 81। एरिया किसके इक्वल होता है, समकोण त्रिभुज का 1/2, बेस कितना है, बेस a × हाइट, ठीक है। तो यहां से a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 81 × 2√, ये किसकी वैल्यू आ गई, a की, यहां से a की वैल्यू क्या आई, 81 का अंडर रूट क्या रहेगा, 9, और अंदर 2 रह जाएगा तो 9√2, ठीक है। ये किसकी वैल्यू आ गई, a की, लेकिन हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी, करण की, ठीक है। करण की वैल्यू ये है, a की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे, तो करण की वैल्यू a√2 थी, तो यहाँ पे मैं a की वैल्यू रख रहा हूँ, 9√2, और 2 पहले से ही था, अंडर रूट 2 पहले से ही था, तो ये कितनी आ गई, 18, ठीक है ना। तो ऑप्शन जो बी है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए पॉलीगन, पॉलीगन के अंदर द सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज ट्रिपल द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, द नंबर ऑफ साइड इज, देखिए पॉलीगन की साइड फाइंड आउट करनी है हमें, उस पॉलीगन के जो आंतरिक कोण है उसका सम बाह्य कोण के सम का 3 गुना है, ठीक है ना। तो अगर मैं इंटीरियर एंगल निकालू, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, ठीक है, तो वो किसके इक्वल होता है, n − 2 × 180, ठीक है ना। तो n क्या होती है, नंबर ऑफ साइड ऑफ पॉलीगन, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल का सम निकालू कितना होता है, हमेशा याद रखना एक्सटीरियर एंगल का सम 360 होता है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप देखिए, जो इंटीरियर एंगल है n − 2 × 180, ठीक है, वो किसके इक्वल है, 3 टाइम ऑफ एक्सटीरियर एंगल यानी 360। अब यहां से जो कटता है काट दीजिए, 180 से काटेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 3 × 6, तो n − 2 किसके इक्वल आ गया, 6 के, तो n की वैल्यू यहाँ से कितनी आई, 8, राइट। तो पॉलीगन की साइड कितनी होगी, 8, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संख्या का 35% दूसरी संख्या के 30% के समान है, पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात निकालिए। देखिए मान लीजिए पहली संख्या है x, x का 35%, ठीक है, बराबर है y के 30% के, ठीक है।
प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल, और 5 से काटेंगे 5 से 35 और 5 6 के 30। तो पहली संख्या का दूसरे से अनुपात निकालना है, तो x बाई वाई किसके इक्वल आ जाएगा, 6/7। तो x की वैल्यू 6 है तो y की वैल्यू क्या है, 7, तो रेशियो क्या आ गया, 6:7। ये हमारा आंसर है, तो ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंगल 54 डिग्री इज इक्विवेलेंट टू इन रेडियन। तो पता करना है कि 54 डिग्री एंगल कितने रेडियन के इक्वल है। देखिए 180 डिग्री जो होता है वो पाई रेडियन के होता है, और 1 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा, पाई बाय 180। ठीक है, तो 54 डिग्री किसके इक्वल होगा, 54 डिग्री होगा 54 × π/180। 18 से कैंसिल कीजिए, 18 × 54 और 18 × 180, तो 3π/10। ठीक है ना, तो ऑप्शन जो सी है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 80 है, यानी दो संख्याएं हैं उसका योग क्या रहा 80, और उनका डिफरेंस जो है वो 8 है, यानी एक्स और वाई दो संख्याएं हैं तो उनका जो सम रहा वो 80 और डिफरेंस रहा कितना 8। पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात ज्ञात कीजिए, हमें निकालना है x/y। ठीक है ना, अब आप देखिए अगर मैं इसको ऑप्शन से करूं, ठीक है, तो मैं मान के चलता हूं जो संख्या है वो यही है, जो नंबर रेशियो में दिए हुए वही संख्याएं हैं, और अगर दूसरी कोई संख्या भी होगी तो वो इन्हीं का कोई मल्टीपल होगी। ठीक है ना, जो संख्याएं हमारी होगी, जो रेशियो दिया हुआ है, इन्हीं का कोई मल्टीपल होगी, और चूंकि बोला गया है कि इन दो संख्याओं का सम 80 के इक्वल है, तो अगर मैं इन दोनों संख्याओं को जोड़ भी दूं तो इनका जो नंबर आएगा वो 80 का, जो 80 का मल्टीपल आएगा। ठीक है ना, यानी अगर मैं 11 को और 9 को जोड़ू, मेरे पास 20 आ रहा है। ठीक है ना, 20 का मल्टीपल किसके इक्वल है, 80 के। ठीक है, तो डिफरेंस निकालूं तो कितना आ रहा है, 11 − 9 = 8। तो ए मेरा आंसर हो सकता है। बी में मैं देखता हूं 13 और 9 का डिफरेंस कितना है, 4, और 4 क्या है, 8 का मल्टीपल है, क्योंकि डिफरेंस कितना है 8, तो 4 8 का मल्टीपल है। लेकिन अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं कितना आता है, 22। 22 का मल्टीपल 80 नहीं होता, तो बी ऑप्शन गलत है। सी में देखिए 12 और 11 का डिफरेंस 1 है, 1 का मल्टीपल 8 होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन 12 और 11 कितने हो गए, 23। 23 का मल्टीपल 80 नहीं होता। ठीक है ना, तो ये हमारा गलत हो गया। 13 और 11 का डिफरेंस 2 है, 2 का मल्टीपल 8 होता है, डिफरेंस तो मल्टीपल है। ठीक है ना, लेकिन इसका अगर मैं जोड़ करूं 13 और 11 24, 24 का मल्टीपल 80 नहीं होता, तो ये ऑप्शन भी गलत है। तो एक ही ऑप्शन बचा, पहला वो हमारा सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है 35 वस्तुओं के खरीद मूल्य के बराबर है। याद रखें इस टाइप के क्वेश्चन में जो विक्रय मूल्य के साथ होता है, यानी 40, वो क्या होता है, क्रय मूल्य। जो विक्रय मूल्य के साथ हो उसको हम क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य, यानी कॉस्ट प्राइस कितना है 40। ठीक है, और जो क्रय मूल्य के साथ हो उसको हम बोलते हैं विक्रय मूल्य, यानी सेलिंग प्राइस कितना हो गया 35। ठीक है, 40 की चीज मैंने 35 में बेच दी तो मेरे को लॉस कितने का हुआ, 5 का, यानी 40 − 35 5, तो मेरे को लॉस परसेंटेज निकालना है कितना आएगा, 5 का लॉस 40 के ऊपर 1/8, यानी लॉस हो गया 12.5% का, यानी ऑप्शन ए सही आंसर है। इसको मैं दूसरे तरीके से भी कर सकता था, अभी तो मैंने क्या किया, इसको डायरेक्ट लिख दिया, आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे कि 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है, यानी 40 × सेलिंग प्राइस। ठीक है ना, इससे जो मनी बनी वो किसके इक्वल रहेगी, जितने में मैंने खरीदा था 35 वस्तुएं। ठीक है, कोई ना कोई उसका कॉस्ट प्राइस रहा होगा भाई, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट 40 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस, एक सेलिंग प्राइस कुछ ना कुछ रहा होगा, तो 40 × सेलिंग प्राइस बराबर है 35 × कॉस्ट प्राइस। तो मैंने सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस एक तरफ कर लिए, तो कॉस्ट प्राइस बाई सेलिंग प्राइस मेरे पास क्या है, 40/35। ठीक है, कॉस्ट प्राइस जब 40 था तो सेलिंग प्राइस कितना था, 35, यही मैंने ये यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, मैंने थोड़ा डायरेक्ट लिख दिया, आप जैसा आपका मन करे आप वैसे इसको सोल्व कर लीजिए। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी 11 घंटे में एक यात्रा पूरी करता है, वह यात्रा का पहला भाग 25 किलोमीटर/आवर की गति से और दूसरा आधा भाग 30 किलोमीटर/घंटा की गति से तय करता है, यात्रा की कुल दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 2 × S1 × S2
ये दोनों क्या है, स्पीड है, डिनोमिनेटर में एस वन प्लस एस टू इंटू टोटल टाइम, ठीक है ना, यात्रा के दौरान लगा हुआ समय, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो फॉर्मूला से डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। दो गुना एस वन की वैल्यू कितनी है 25, एस टू की वैल्यू कितनी है 30, दोनों का सम करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा 55, गुना टोटल टाइम कितना है 11, 11 पंजे 55, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10 और 30 300, तो टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई 300 किलोमीटर। तो ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए काफी इजी क्वेश्चन है, 0.532 के ऊपर बार है किसके बराबर है, किस भिन्न के बराबर है, ठीक है। तो अब देखिए 0.532, ठीक है, 32 के ऊपर बार है, तो ये किसके इक्वल रहेगा, डिनोमिनेटर में आप देखिए, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, डेसिमल के बाद कितने डिजिट के ऊपर बार है, तो वो है दो डिजिट, ठीक है ना। तो दो डिजिट के लिए मैं लिखता हूं 29, ठीक है, दो बार 9 लिखता हूं, और एक डिजिट ऐसा है यानी 5 जिसपे बार नहीं है, तो उसके लिए आएगी 0, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में तो मेरा क्या आ गया 990, अब न्यूमिनेटर में क्या आएगा, डेसिमल के बाद क्या नंबर है 532, उसको एज इट इज लिख दीजिए, ठीक है, और जिस डिजिट के ऊपर बार नहीं है उसको घटा दीजिए -5, तो मेरे पास क्या आंसर आया 532 -5 527, और डिनोमिनेटर में 990, ठीक है। तो ये मेरा आंसर है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये टेबल दी हुई है जिसमें 5 स्टूडेंट ने 5 सब्जेक्ट में अलग अलग मार्क्स लिए हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द एवरेज मार्क्स स्कोर्ड इन साइंस बाय द स्टूडेंट, तो सभी पांचों बच्चों ने साइंस में कितना एवरेज स्कोर किया है वो निकालना है। देखिए अगर मैं इंडिविजुअल स्कोर देखूं तो वो कितना है, 69, 80, 82, 80 और 75, ये है, और इसका एवरेज क्या रहेगा, सभी मार्क्स का सम, सम कैसे निकालेंगे, 69, और मान लीजिए ये 82 की बजाय 80 है, ठीक है, तो ये 82 का जो 2 है वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, तो 71 हो गए, 71 और 75 कितने होते हैं 144, और ये भी 80, ये भी अब 80 हो गया, और ये भी 80, यानी 240 और 144 384, ठीक है ना। तो पांचों बच्चों ने जो साइंस में नंबर लिए थे उसका सम 384 आ गया, और डिवाइड में टोटल कितने स्टूडेंट थे वो कितने हैं 5, ठीक है। अब 5 से काटिए, 5 × 7 = 35, माफ कीजिए 384 नहीं 386, ठीक है, तो 5 से काटेंगे, 5 × 7 = 35, 5 × 7 = 35, 10 बचा, डेसिमल 5 × 2 = 10, तो 77.2 हमारा आंसर आ गया, डी ऑप्शन सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये टेबल दी गई है जिसमें 5 स्टूडेंट हैं, इन 5 स्टूडेंट ने इन 5 सब्जेक्ट में मार्क्स लिए हैं, ठीक है ना, वो इस टेबल में दिखाए गए हैं। तो क्वेश्चन क्या है, विच स्टूडेंट हैज स्कोर हाइएस्ट मार्क इन एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट, कौन सा स्टूडेंट है जिसने कम से कम 2 सब्जेक्ट में हाइएस्ट मार्क लिए हैं, ठीक है ना, मार्क्स लिए हैं, ठीक है। तो अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो सबसे ज्यादा अंक किसने लिए हैं, आलिया ने 90 नंबर, मैथ में किसने लिए हैं, मैथ में लिए हैं जस्टिन ने, ठीक है, साइंस में सबसे ज्यादा नंबर किसके हैं, हेटल के, ठीक है ना, हिस्ट्री के सबसे मैक्सिम मार्क्स किसके हैं, कुबेर के, ठीक है, जियोग्राफी में किसके हैं, जस्टिन के। तो कम से कम 2 सब्जेक्ट में हाईएस्ट मार्क किसके हैं, जस्टिन के, ठीक है ना, ये देख सकते हो आप। तो ऑप्शन जो सी है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए टेबल में 5 स्टूडेंट हैं, ठीक है, जिन्होंने 5 सब्जेक्ट में मार्क्स लिए हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा है, विच स्टूडेंट हैज स्कोर द सेकेंड हाइएस्ट ओवरऑल परसेंटेज, किस स्टूडेंट ने सेकंड नंबर पर परसेंटेज हाईएस्ट लिखा है, ठीक है। तो परसेंटेज निकालने के लिए सबसे पहले हमें सम निकालना पड़ेगा, तो मैं सम निकालता हूं, 6 और 9 = 15, 15 और 2 = 17, 17 और 6 = 23, 23 का 3 2 माइंड में रखेंगे, 2 और 7 9, 9 और 8 17, 17 और 6 23, 23 और 7 30 और 8 38, तो सम कितना आ गया 383। जस्टिन के मार्क्स का जो सम निकालूंगा मैं, 2 और 5 7, 7 और 8 15, 15 का 5, 1 माइंड में रखेंगे, 1 और 8 9, 9 और 8 17 और 8 25, ठीक है, 25 और 7 32, 32 और 9 41, तो सम कितना आ गया 41। यहाँ पे सम निकालूंगा, 5 और 6 11, 11 और 2 13, 13 और 8 21, 21 और 4 25, 5 2 माइंड में रखेंगे, 2 और 5 7, 7 और 7 14, 14 और 8 22, 22 और 7 29, 29 और 8 37,
ठीक है, यहाँ पे सब निकालेंगे, 3 और 4 7 और 2 9, और यहाँ पे 8 2 16, 8 3 24, 24 और 6 30 37, ठीक है, और यहाँ पे सब 3 और 5 8, और यहाँ पे 7 और 8 15, 15 और 7 22, 22 और 6 28, और 9 37। अब देखिए परसेंटेज हाईएस्ट उसी की होगी जिसका सम हाईएस्ट होगा, क्योंकि परसेंटेज क्या होती है, परसेंटेज या एवरेज होती है सम बटे नंबर ऑफ सब्जेक्ट, ठीक है। तो नंबर ऑफ सब्जेक्ट तो सबके पांच पांच है, यानी डिनोमिनेटर में तो सब में ही 5 आएगा, राइट। तो न्यूमिनेटर में जो सम है जिसका हाईएस्ट होगा उसी की हाईएस्ट परसेंटेज होगी, वो तो हाईएस्ट किसकी है, 415 यानी जस्टिन की, लेकिन हमसे पूछा है सेकंड हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट सम किसका है, जीवा का, तो यानी सेकंड हाईएस्ट परसेंटेज कितनी हो जाएगी, 383/5, ठीक है, ये हमारा आंसर है। हमें परसेंटेज नहीं निकालनी, जस्ट नाम बताना था, जीवा यानी ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसमें क्या दिया गया है, ये क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज द डिफरेंस इन द टोटल मार्क्स बिटवीन द फर्स्ट एंड फिफ्थ रैंक स्टूडेंट। अब देखिए हर स्टूडेंट ने कुछ ना कुछ मार्क्स लिए हैं, जीवा ने, जस्टिन ने, हेतल ने, कुबेर ने और आलिया ने, तो जिस पहले नंबर पे किसने ज्यादा लिए हैं और लास्ट में यानी पांचवें नंबर पे किसने ज्यादा मार्क्स लिए हैं, दोनों का डिफरेंस बताना है। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने सम निकाल लिया था, तो जीवन ने कितने मार्क्स लिए हैं, तो इसका टोटल सम कितना है, 383, राइट, और जस्टिन का कितना है, 415, राइट, हेतल का कितना है, 375, ठीक है, और कुबेर का कितना है, कुबेर का 379, ठीक है, और आलिया का कितना है, 378, राइट। तो हमें क्या निकालना है, हाईएस्ट और लोएस्ट के बीच का डिफरेंस, हाईएस्ट कितना है, 415, और लोएस्ट कितना है, 375, तो 415 - 375, ठीक है, तो कितना आ गया डिफरेंस, 40, ठीक है ना, तो ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है।